और फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयदेसा और आपका स्वागत है मैग लर्न टू वन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रोवाइड की गई है बाय द वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे आप मैनेजमेंट फील्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे आप साइंस फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर जो अर्निंग दी गई है वो मिनिमम 24,500 से स्टार्ट होकर एंड होती है 1,40,000 पर मंथ। जी आप सोच सकते हो, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कम से कम अगर मैं जोड़ लूँ तो 2.5 लाख रुपये से लेके 3 लाख रुपये से लेके 1,40,000 पर मंथ, यानी 12 लाख से भी आपका पैकेज आपका बन सकता है। तो ये चीज कहाँ पर लिखी हुई है आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में मैं बताने वाला हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ईयर लिमिट कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कौन सी एडवर्टाइजमेंट में चाहिए, कौन सी एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप 90,000 अर्न कर सकते हो, ऐसी कौन सी एडवर्टाइजमेंट है वो भी बताने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा पे स्केल का प्रूफ और कौन सी लोकेशन पे सारी जॉब अवेलेबल है उसके बारे में डिटेल। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मैक लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये दोनों चीज आपने कर ली तो आपको अपडेट्स बार बार मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी को, आज के इस वीडियो को विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे सिंपल सर्च कीजिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर आप सर्च कर सकते हैं bl-india.in, तो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद कैरियर्स में जाना है, कैरियर्स में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो कर दी जाएगी और एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोई भी थर्ड पर्सन को हायर नहीं करता है अपनी रिक्रूटमेंट करवाने के लिए और उनको कोई भी चार्जेस लेने की अनुमति नहीं है। आप भी मेरे चैनल पे आए हो, मेरे चैनल पे भी मैं अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैं कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कोई भी यानी उनको इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि किसी के पास जॉब के लिए कोई रुपया लो। मैंने भी अपना डिस्क्लोजर दे दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अपना डिस्क्लोजर दे दिया, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबमिट पे क्लिक करके। अब यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, वो है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कहीं से भी, तो इंजीनियरिंग करने से पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग कीजिए, रादर देन 11th-12th साइंस करने के बाद आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्लोमा के लिए भी आप एलिजिबल होते हो और डिग्री के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। अगर आपने 12th साइंस किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे, डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। सेकंड जो मेरा थॉट है वो है, अगर आप कहीं से भी कर रहे हो डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, मेक श्योर दैट कि वो अपने लेवल की जो भी अथॉरिटी है उसको फुलफिल करें। जिसका मीनिंग होता है कि अगर कोई कॉलेज है तो वो कॉलेज UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए, कोई अगर कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है तो वो AICTE अप्रूव होना चाहिए। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, बट आपसे ही बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बाकी लोग आपसे ही प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब आप उसको राइट पाथ बता पाओ और उससे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगे। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थॉट विद यू। इफ यू आर एग्री विद दिस थॉट प्लीज लाइक का बटन नीचे ही दबा दीजिएगा। चलिए अब बाकी थी बातें बाद में करेंगे, मगर यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट डेट और टू अप्लाई जो है सितंबर मंथ में ही सारी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स इनको चाहिए, कहाँ पर साइट है, पुणे की साइट है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ मार्केटिंग पर्सन चाहिए, बेंगलोर की साइट पे भी कोई पर्सन चाहिए, पुणे की साइट पे भी चाहिए, नवी मुंबई में भी चाहिए। तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है जिनको आप पढ़ सकते हो, अब मैंने आपको बता दिया तो आप आराम से पढ़ लोगे। जो मैं आपको बात करने वाला हूं वो है ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये जो है ना वो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैंने सारी एप्लीकेशन पढ़ी उसमें से है, यानी यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपने एक क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो पे स्केल दिखाई गई है उससे बाकी की सारी पोस्ट में पे स्केल उससे ज्यादा ही है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए इसकी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म ओपन करते हैं।
इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन कर ली, तो इस पे जो लिखा हुआ है ना वो है कि आपने 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके रखनी है बस। अगर ये आपकी चीज हो गई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके पास 10 वैकेंसीज है और मैकेनिकल में इनके पास 3 वैकेंसीज है। सारी कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सी कैटेगरी से इनको कैंडिडेट चाहिए, और कैटेगरी वाइज इनकी एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है, उसके लिए हम बाद में आएंगे, इसी टॉपिक में बाद में आएंगे। और पहले हम देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल है 24,500 रुपीज पर मंथ से लेके 90,000 रुपीज पर मंथ तक का, प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस। ओके, पहले 6 महीने के लिए आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे जो ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, 28 ईयर्स है रेगुलर कैंडिडेट के लिए, बट ये एज लिमिट रिलैक्सेशन भी है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 31 ईयर्स है, शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्रिब्यूट के लिए 33 ईयर्स है, एंड अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 38 ईयर है, मगर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% एग्रीगेट, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% एग्रीगेट। इसका मीनिंग हुआ कि आपने डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर के अंदर जो भी एग्रीगेट परसेंटेज आपके निकल के आ रहे हैं वो 60% होने चाहिए। अगर आपने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है तो जीटीयू का नॉर्म ऐसा कहता है, जो भी आपके सीपीआई है उसमें से -0.5 कर दीजिए, जो भी बाकी बचे सीपीआई उनके मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके परसेंटेज निकल आएंगे। यानी कि अगर आपके 6.5 सीपीआई है, -0.5 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 60% हो गए। तो जो भी लोग 6.5 या उससे एबो सीपीआई है जिनके, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने डिग्री की है डिप्लोमा के बाद में मगर डिप्लोमा करके रखा है तो वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 10 को पढ़ लीजिएगा। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो कहां पर मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर ही है। देखिए, क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन को, बाद में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, तो ये आप हाउ टू अप्लाई वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स भी जो सर्कुलर में दी गई है उसको ध्यान से पढ़िएगा, एक दिन का टाइम लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है और आपने लाइक और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दिया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।